नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पुलिस की ओर से मानसा जिले में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। और इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक भागीरथ सिंह मीणा ने कहा कि मानसा पुलिस का मकसद है कि पंचायती चुनाव पूरी तरह से शांत तरीके से कराया जाए, जिसके चलते पूरे जिले में फोर्स तैनात की गई है। और दशहरे के त्यौहार पर भी मानसा पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। तो तस्वीरें आपको मानसा से दिखा रहे हैं, जहां पंचायती चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। तो वहीं पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च किया है। एसएसपी ने तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। और इस बीच निरीक्षण की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी चुनाव के लिए लगातार ये जो कॉम्बिंग की जा रही है, एसएसपी ने पूरी तैयारी की जानकारी दी है, जिसके बाद से किसी भी तरह की कोई भी अराजक तत्व अराजकता न फैलाए, जिसके लिए लगातार पुलिस की तरफ से अब सब पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एसएसपी ने खुद दी है। पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देखो, आगामी 15 अक्टूबर को पूरे पंजाब के जो पंचायत इलैक्शन होने जा रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट दे विच असी कल भी जितने भी साडे सेंसिटिव एरियाज हैगे उत्थे फ्लैग मार्च कंडक्ट किया सी तीनों सबडिवीजन दे विच। आज भी असी ऑल थ्री सबडिवीजन में ये फ्लैग मार्च कंडक्ट करवा रहे हैं। बेसिकली जो मोटिव हैगा, जो जितने भी वोटर्स हैगे उन्होंने मनों के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बिल्कुल वो फ्री और फेयर तरीके से असी इंश्योर करवाएं इलेक्शन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं सारे मानसा डिस्ट्रिक्ट के वासियों ये मैं आश्वस्त करता हूं कि जो पंचायत इलेक्शन है बिल्कुल त्वाडे सहयोग नाल असी बिल्कुल पीसफुली कंडक्ट करवाएंगे। और सीमा पार मादक तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने अमृतसर के सुखेवाला गांव के पास दो संदिग्ध वाहनों को सफलतापूर्वक रोका है, जिससे 10.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और फरार संदिग्धों को पकड़ने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, अमृतसर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तस्करों को बड़ा झटका लगा है। दो वाहनों को रोका गया है और न सिर्फ रोका गया है बल्कि 10.4 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। ये बड़ी जो है सफलता एक तरह से कहे तो मिली हुई है, जिसमें तस्करों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर तस्कर को पकड़ा गया और इसी के साथ साथ देखिए बड़ी मात्रा में हेरोइन भी बरामद की गई है। और जंडियाला गुरु तरनतारण बाईपास के पास पराली की गांठों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई। जानकारी के मुताबिक मालिक अरविंदर वीर सिंह ने बताया कि सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच में पराली की गांठों में आग लग गई और नगर परिषद जंडियाला गुरु ने प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आदेश दिया और अब तक 1200 ब्लॉक आग पर काबू पा रहे हैं। 7 से 8 लाख रूपये का नुकसान भी हुआ है। तो देखिए, अमृतसर में पराली की गांठों में आग लग गई है। आग बुझाने में लगातार गाड़ियां जुटी हुई और बताया जा रहा है कि ज्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें काफी जो है नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पराली की गांठों में आग लग गई है। हालांकि देखिए, मुस्तैदी के साथ फायर ब्रिगेड पहुंची और उसे बुझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच देखिए बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा था, लगभग 7 से 8 लाख का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें अमृतसर से दिखा रहे, जहां पर पराली के गांठों में आग लग गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में जुट गई। देखिए, आग तो बुझाई गई लेकिन उससे पहले काफी नुकसान हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 से 8 लाख रुपए की जो है नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर काफी नुकसान के अंदेशा जताए जा रहे हैं। हाँ जी, अग लग गई है 1200 बनती है। ब्लॉक तो 6-7 लगे हुए जी। कि 7-8 लाख का हो गया जी। प्रशासन ने इना भी जो खर्चा दिता जाए। गड्डिया 4-5 लग गई, हजे भी अभी चली जाती है। पता नहीं, शाम तक नहीं है। ब्लॉक नूं अग लगी हुई है, साडे बंदे सीगे इत्थे। हां जी, उन्होंने दस्सिया, फोन किया।
प्रशासन आ गया जी। ये अग पांच कोई दी लगी है। नुकसान साड़ी फायर ब्रिगेड नूं जदों इन्हां ने कॉल कीती है, साड़ी फायर ब्रिगेड उसे लई आ गई है जी। तो इन्हां दा साड़ी फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां काफी लगियां, उदों दीआं वाटर कर रहीआं ने इन्हां नूं पार्क। बाकी सीधे सीधे हुण सारी बुझ रही है। अग हुण तक गड्डियां अड्डियां 20 गड्डियां लग गईआं पानी दीआं। अग जिहड़ी आ इह गंढा वाली जिहड़ी जिहड़ी साइड अड्डी पानी वाली गड्डी चलण डई, उधरली साइड इह गड्डियां जिहड़ियां फायर वालीआं उह बुझाई जाण डईआं। नुकसान यह हम इन्हों पता होगा इन्हों का कि नुकसान होया वा। साडा काम फायर वालों का अग लगन का कारण ये ए विचों ही मतलब के स्टीम निकलती है, विचों ही फायर आटोमैटिक निकलती है। अग ये भाफ बन के अपने आप जो सुक जाती है पानी के नाल थल्यों भाफ के नाल आटोमैटिक अग निकलती है बनती है। अग लगन का कारण यह जिस तरह लगी है इन्हें धुप के नाल आटोमैटिक चुकती है विचों, थोड़ा थोड़ा जिस तरह धुप दी आ गई जी फिर मच रही है। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर फाजिलका पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसएसपी वीरेंद्र सिंह बराड़ ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएंगे, किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और शरारती तत्वों को सख्ती से निपटा जाएगा। तो फाजिलका की तस्वीरें दिखा रहे जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। एसएसपी के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तभी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर किसी भी तरह के कानून व्यवस्था को ना तोड़ा जाए, जिसके बाद से लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और देखिए त्योहारी सीजन भी चल रहा है और आगामी कई सारे त्योहार ऐसे हैं जिसके बाद से कोई भी अराजक तत्व अराजकता न फैलाए, जिसकी वजह से लगातार पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है और फ्लैग मार्च निकालती हुई नजर आ रही है। और इस बीच देखिए फाजिलका में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। एसएसपी के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है और पुलिस गश्त पर निकली हुई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी सुरक्षा में व्यवधान न आए जिसकी वजह से आम लोगों को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है, जिसके बाद से लगातार राज्य पुलिस है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है, फ्लैग मार्च निकलती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था कोई भी ना तोड़े इसके लिए लगातार पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए अब जो है गश्त करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए लगातार कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सीजन त्यौहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में यह भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इलेक्शन के मुद्दे रख के कटे जा रहे हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बने रहे, लोगों में कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। असि जरा है पंजाब सरकार डीजीपी सर वालों सख्त हिदायतों ने जी सर वालों वो जी हैगी अच पूरी स्टेट च नाकाबंदी की जा रही है, जिद असी भी जोड़ा है हूं 10 बजे तक साढ़े सारे जोड़े है फाजिलका डिस्ट्रिक्ट नाका लगन तो असी हूं थोड़ी देर लिए फ्लैग मार्च की। और पटियाला के नरूर गांव के पंच उम्मीदवार गुलजार मोहम्मद ने पंच की उम्मीदवारी का पर्चा वापस लेने का आरोप लगाने के बाद गेहूं में रखी दवा खाकर आत्महत्या कर ली। गुलजार मोहम्मद ने आत्महत्या के समय एक सुसाइड लेटर अपने बेटे शाहरुख खान को सौंपा था, जिसमें उन्होंने पूरी घटना लिखी थी। शाहरुख खान के बयान के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शाहरुख ने बताया कि उसके पिता गांव नरदू में वार्ड नंबर 8 से पंचायत चुनाव में पंच उम्मीदवार थे और उनके कागजात भी आ गए थे और जब वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए घनूर गए तो विपक्षियों ने उन्हें धक्का कर रहा रिटर्न कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए और जब वो वापस आए तो उनके ही समर्थकों ने गांव में आकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अपना प्रचार शुरू कर दिया। तो पटियाला में देखिए पंच उम्मीदवार ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड लेटर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसके मुताबिक 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस बीच दुखद खबर पटियाला से आपको दे रहे हैं जहां पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुसाइड का पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर पंच उम्मीदवार ने आत्महत्या कर लिया। हालांकि आत्महत्या करने से पहले पंच ने जो है पंच उम्मीदवार ने लेटर लिखा, बकायदा कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है जिसके एवज में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ साथ आगे जो है
इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि क्या इनकी संलिप्तता थी या नहीं थी। हर पहलू से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंच उम्मीदवार ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में कई बातों का जिक्र किया है। हाँ जी, ये नहरू पिंड के विच एक गुलजार मोहम्मद नाम का व्यक्ति तकरीबन 50 साल की उम्र सी, उसने सुसाइड किया सीगा। तो उसके मुतलक थाना खेड़ी गंडियां दे विच मुकदमा नंबर 72 दर्ज रजिस्टर कर लिया, जो नवी धारावां है कानून दी 108 BNS 351 121 122 दे अधीन, जो पहला 306 सी उस अधीन मामला दर्ज कर लिया गया। सर किन्ने बंदे खिलाफ किए थे, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने पढ़ना? हाँ जी, इस दे विच असीं 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, रेड कर रहे हैं, उन्होंने फड़न के लिए पूरी कोशिश चल रही है। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह? हाँ जी, एक गुलजार मोहम्मद वालों सुसाइड नोट ही सीगा जिस आधार से मामला दर्ज किया। वह मैंबरी च खड़े सीगे जी, तो पिंड दे सीगे उन्होंने खड़ाने वाले, तो मतलब कि उन्होंने लिस्ट च नाम भी आ गया सीगा है ना, तो उन्होंने पेपर खारिज कराते जी। किन्ने कराए थे? जिन्होंने खड़ाए सके, मतलब कि उन्होंने लिख के गए हैं जो लास्ट आम पार्टी को, तो उस तो बाद मतलब कि पेपर खारिज हो गए पेपर ही। उस तो बाद उन्होंने पिंड च बदनामी करती भी गुलजार ने 50,000 रुपया लिया जड़ा, मतलब कि डैडी तो बार च खड़ा सी। हाँ जी, भी उस 50,000 रुपया लिया, तो मतलब कि काफी दिन तो फिर घरे से उस तो बाद ना वो बाहर गए है ना जी, टेंशन च पै गए। हाँ, टेंशन च पै गए। हाँ जी, हाँ जी, झूठा तो। हाँ जी, तो मैं तो कम से गया हुआ जी। और चंडीगढ़ के पंजाब राजभवन में विश्वविद्यालय और पंजाब के संस्थानों के कुलपतियों निदेशकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सी स्टेटों से आगे है और आगे हो सकता है और भी, तो क्योंकि पंजाबी जिस काम के लिए ये मन में धार लें कि ये करना ही करना है, तो दुनिया का कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस मंजिल तक जाने से हमें रोक सके। तो मुझे भी हौसला मिला कि गवर्नर साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद सुना और मुझे भी यहां बुला के मौका दिया है कि क्या कर सकते हैं हम मिलके। और जिस दिन इन्होंने कार्यभार संभाला था, मैंने भी मीडिया को यही कहा था कि गवर्नर साहब और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। हम तो एक ब्रिज का काम करते हैं गवर्नर साहब फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नंगल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की खोली गई नई टीवीएस एजेंसी का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ता को नंगल में टीवी एजेंसी खोलने के लिए बधाई दी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में भारत दोपहिया वाहनों के उत्पादन में नंबर एक और चार रूपये के वाहनों के उत्पादन में चौथे नंबर पर है। और तो वही हरियाणा में बीजेपी की जीत पर उन्होंने हरियाणा की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की जनता हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार का प्रदर्शन देख चुकी है। वही तो कह रही थी मैं इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और कहा कि दुनिया में भारत दोपहिया वाहनों के उत्पादन में नंबर एक है और चार पहिया वाहनों के उत्पादन में चौथे नंबर पर है। और तो वही हरियाणा में देखिए बीजेपी की जीत पर उन्होंने हरियाणा की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की जनता हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार का प्रदर्शन देख चुकी है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन, क्योंकि मैं जब सांसद बना तब नंगल ऊना तरवाड़ा रेलवे लाइन भी 40 साल में नंगल से लेके ऊना मुश्किल तक पहुंच पाई। मैंने इसको कुछ वर्षों में भाजपा की सरकार में हिमाचल का पूरा काम करवा दिया, तलवाड़ा तक के भी लैंड एक्विजिशन करवा के
अब हम उसको आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए उसके लिए दिला दिए। फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट मंजूर कराया भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन, ये अपने आप में क्रांति लाएगी, टूरिस्ट को मनाली ले तक पहुंचाएगी। हमारे बहुत कम समय में ये रेलवे लाइन इतनी तेजी के साथ बनी है। भाई हाथ थले करो और सूद हाथ थले कर। और खबर आनंदपुर साहिब से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर जोर शोरों से लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर एसडीएम ने बताया कि 132 गांव में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें से 27 पर सहमति बन चुकी है। इनमें से 115 गांव में सिंगल बूथ और 18 गांव में डबल बूथ है और कुल 151 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएसपी से कुछ संवेदनशील और असंवेदनशील गांव की सूची मिली है, जहां अधिक बल तैनात किए जाएंगे। तो आनंदपुर साहिब से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है और 132 गांव में होंगे पंचायत चुनाव, तो वही 27 गांव में सर्वसम्मति से चुनाव किए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 132 गांव में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं 27 गांव में सर्वसम्मति से चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी तैयारियां अभी से की जा रही है। तमाम तरह के व्यवस्था को लेकर आप देखिए तैयारियां चालू हैं और वहीं 132 में गांव में जो है चुनाव कराया जाएगा और 27 गांव ऐसे हैं जहां सर्वसम्मति से चुनाव किए जाएंगे, जहां पंचायत चुनाव को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से सजगता के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव है, जिसके बाद से लगातार जो उम्मीदवार है वो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वही इस बार पंचायत चुनाव में जनता कहां मुहर लगाने वाली ये भी देखने वाली बातों की। लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारी जारी है। टोटल आनंदपुर ब्लॉक दियां 159 पंचायतां ने जिथे पंचायत इलेक्शन होनी सी, नामीनेशन के दौरान विड्रॉल के दौरान जो कुछ कट्टियां गई जो फार्म रद्द होए, ये दौरान जोड़ा 27 अजिहियां पंचायतां जिथे सर्वसम्मति हुई जिथे असी इलेक्शन नहीं करवानी, भाव साडी कोई पोलिंग टीम उत्थे इलेक्शन करवाउण वास्ते नहीं जाएगी। साडे कोल पिछे 132 पंचायतां जिहियां बचदियां जिथे इलेक्शन होनी है, ये कुल जोड़ा है 326 कैंडीडेट अजिहे ने जो सरपंची की इलेक्शन वास्ते हुण चोण मैदान विच ने। और बठिंडा रेंज में पुलिस ने पंचायत चुनाव के चलते चौकसी बढ़ा दी है। जिला मानसा के बठिंडा में भारी पुलिस बल के साथ लगातार पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इसको लेकर डीआईजी बठिंडा रेंज ने बताया कि बठिंडा और मानसा में पंचायती चुनाव को लेकर अमन शांति बनी रहे। फिलहाल रेंज में करीब 350 सुरक्षाकर्मियों की कमी है, जिसके लिए स्पेशल डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी गई है। पंचायती इलेक्शनों लैके असी कला कला जिहड़ा पोलिंग स्टेशन दे पोलिंग बूथ है उत्थे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए ने, प्रॉपर बंदोबस्त किए हुए ने, सिविल प्रशासन नाल साडा पूरा जिहड़ा तालमेल। साडे कोल तकरीब 350 बंदे की शॉर्टेज है, वो असी मानयोग स्पैशल डीजीपी लॉ ऑर्डर जिहनूं लिखिया है वो भी सानूं फोर्स जल्दी मिल जाएगी। तो बकायदा असी जिहड़े इंटर स्टेट नाके ने हरियाणा की पुलिस नूं भी नाल अलर्ट किया होया तां कि किसी तरह की भी कोई समगलिंग लीकर पैसा जड़ा इस इलाके दे विच ना आवे। और खबर फिरोजपुर से, जहां पर सीआईयू स्टाफ ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 1 किलो 528 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 730 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरपीएस वरिष्ठ कप्तान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस असामाजिक तत्वों की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथों में लेने वाले अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगे
ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਚਾਰੋਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਨ ਮਹੀਨੋਂ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨਕੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਪਰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।